नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवाणी और अब आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। बिहार के दरभंगा में बाढ़ से सबसे ज्यादा बुरे हालात हैं। जिले के कई गांव पानी में डूब चुके हैं। लोग घर बार छोड़कर ऊंची जगह पर रहने को मजबूर हैं। ज्यादातर लोगों ने अपने जानवरों के साथ ऊंची जगह पर डेरा डाला हुआ है। गांव के पास बने बांध के टूट जाने के बाद सारा पानी गांव में घुस गया, जिसकी वजह से सारा सामान बह गया। सबसे ज्यादा मुश्किल पीने के पानी और खाने को लेकर है। सरकार भले ही दावा कर रही है कि प्रभावित लोगों को खाने पीने का सामान मुहैया करवाया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से अलग है। जानना चाहते हैं कि बांध पर उनको जो है मुहैया कराया गया कि नहीं। बांध पर मुहैया कराया गया सरकारी स्तर? नहीं सर। खिचड़ी खाने की कुछ नहीं? कैसे ऐसे ही है, भूखे हैं, सारा रात भूखे हैं, किच नहीं खाए हैं, अभी तक किच भेटा ही नहीं है। घर में जो किच नहीं बचा है, सभी भास गया है, माल जाल और गहना जेवर सभी भास गया, घर और सभी कुछ भास गया है। आप कैसे, आपका घर कहाँ पे है और कैसे आप हैं? हम बूढ़े में है, वो अति मिले हैं। खाने का प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, एक फूटी चूरों ने कोई दिल के कोई नहीं, सबटा घर। दो बच्चा रात में इस जगह पर, इस पॉइंट में देखिए, कैमरामैन को कहेंगे इस तंबू को दिखलाइए, इस तंबू में दो बच्चा ने जन्म लिया है रात में, और ऊपर से इंद्र भगवान का पानी और उधर से नेपाल सरकार की पानी, बीच में वो बच्चा जन्म लिया यहाँ पर में। और पीने के लिए पानी के लिए तो चारों ओर पानी ही पानी है, लेकिन पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं था इस बांध पर में। बिहार के पूर्णिया जिले में भी बाढ़ का पानी कई गांव में घुस गया है। कई गांव को जोड़ने वाली सड़कें पानी में डूब गई हैं। इलाके की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से पानी गांव में घुस गया है। कई गांव पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। लोगों का आरोप है कि उनके गांव में सरकारी मदद अभी तक नहीं पहुंची है। घरों में पानी घुसने की वजह से लोगों को ऊंची सड़कों पर टेंट में रहना पड़ रहा है। इतना हालत खराब है, जो बच्चे एक जगह परेशान है, बूढ़ा एक जगह परेशान है, छोटा छोटा बच्चा का पढ़ा में लगा हुआ है, कहीं डूब के मर ना जाए, इतना स्थिति खराब है। घर में पानी घुस गया है, आंगन में पानी घुस गया है, चूल्हा में पानी घुस गया है। बच्चों को लेके कैसे रहते हैं? बार बार तीन महीना में रोड में रहते हैं। कोई सुविधा है वहाँ पे? सुविधा नहीं, बाल बच्चा लेकर के बार बार रोड में रहता है, पोता पोती है, बेटा बेटी है, रोड में रहते हैं बार बार, तीन महीना में रहता है हमको, सात साल से रहते हैं, बाल बच्चा लेकर के बार बार दिक्कत होता है ये पानी के लिए। मानंदा का मुख में है ना, कितना तकलीफ है हमको। बिहार में बाढ़ से भारी तबाही का सबसे बड़ा कारण नेपाल से कोसी नदी में छोड़ा जाने वाला पानी है। कोसी नदी में रोज नेपाल से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से मधुबनी समेत दूसरे जिलों में बाढ़ से बेहद गंभीर हालात बने हुए हैं। कोसी नदी में पानी का दबाव बढ़ने के बाद नेपाल ने वीरपुर बैरेज के सभी गेट खोल दिए, जिसके बाद आने जाने वाले लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है और आने वाले दिनों में और भी ज्यादा हालात गंभीर होने की आशंका है। ठीक यहीं से मैं जहां खड़ा हूं, ये ग्राउंड जीरो है, और यहीं से ये नेपाल में पड़ता है, और यहीं से ये नदी धीरे धीरे बिहार में प्रवेश कर रही है। ये भीमपुर बराज है, और जो गेट खोले गए हैं उनकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये तस्वीर आप देखिए कि किस कदर, यहाँ पर 56 गेट हैं, और जो गेट खोले गए हैं वीरपुर बराज के, उसके बाद जो पानी का फ्लो है, ये गेट खोलने के कारण ही पानी का फ्लो लगातार जो है वो बिहार में प्रवेश कर रहा है। यानी जो मूल वजह है वो कोसी की यह धारा है, जो लगातार जो पानी छोड़ा जा रहा है उसके बाद से ये बिहार में प्रवेश कर रही है कोसी नदी, और धीरे धीरे ये जो करंट है ये बिहार के लिए विपदा बन गई है, बिहार के लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन गई है। यूपी और बिहार ही नहीं, इन दोनों राज्यों की सीमा से लगने वाले नेपाल के कई हिस्सों में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। नेपाल में बारिश और बाढ़ की वजह से अब तक 68 लोगों की जान जा चुकी है, और हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। गांव के गांव तालाब की शक्ल ले चुके हैं, न सड़कें बची हैं, न मैदान, न खेत,
जहां तक नजर जाती है नदी का पानी ही दिखाई देता है। लोगों के घर पूरी तरह पानी में डूबे हैं। पानी से बचने के लिए कोई घर की छत पर बैठा है तो कोई घरों से दूर किसी ऊंची जगह पर बैठा है। फासला कोई भी तय करना हो कई फीट तक पानी में डूबे बिना तय करना मुमकिन नहीं है। धीरे धीरे हम भी देखिए किस तरीके से पानी में घुस रहे। पूरा पानी जो है वो बढ़ता हुआ ये तेज धार है। इसमें जो है बालू जो है वो दलदल जैसा है। अगर आप इसको छोड़ दे तो ये बालू बहाता हुआ आपको दूसरी तरफ लेके चले जाएगा। शहरों में बह रहा सैलाब लोगों को डरा रहा है। गांव ही नहीं पूरे के पूरे शहर टापू की शक्ल ले चुके हैं। जो जहां है वहीं फंसा हुआ है। लोगों के पास न खाने का सामान है, न बिजली है, न मोबाइल फोन। पानी के बीच फंसे लोगों की मदद के लिए सरकार नाव चला रही है। नाव की जो है सुविधा जो है यहां पर एसटीएफ की टीम के द्वारा दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा बाग बगीचा और जो है पेड़ पौधे डूब चुके हैं। गाँव जो है पूरे पानी में जो है विलीन हो गया है। नाव पर बैठे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बाढ़ में फंसे परिवार के खाने पीने का इंतजाम करने के लिए जान दांव पर लगाकर घरों से निकले हैं। बाल बच्चा चार दो से भूखे हैं घर, इसलिए सामान लेकर वहाँ